एक साथ नहीं इस बार आमने सामने होंगे सलमान शाहरुख। जल्द शुरू करेंगे फिल्म की शूटिंग। शाहरुख खान और सलमान खान को साथ में देखने का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। जब से सलमान ने एशआरके की पठान में कैमियो किया है तब से फैंस को इंतजार है कि दोनों किसी फिल्म में एक साथ नजर आए। अब ये इंतजार खत्म होने जा रहा है। यशराज फिल्म्स बैनर के तले ये फिल्म बन रही है। इस फिल्म में पठान और टाइगर एक दूसरे का साथ देते नहीं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए नजर आएंगे। बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों सुपरस्टार ने अप्रैल में शूट के लिए अपनी डेट्स भी दे दी है और गर्मियों में फिल्म की शूटिंग होगी। अगर चीजें सही चलती रही तो अप्रैल से फिल्म का काम लेट नहीं होगा। फिल्म की कास्ट डिसाइड कर ली गई है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि कैटरीना और दीपिका में से कौन सी इस फ्रेंचाइजी में वापसी करने वाले हैं। कैटरीना ने टाइगर सीरीज में जोया का किरदार निभाया है, वहीं दीपिका पादुकोण को पठान से स्पाइस यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। वो रुबीना के किरदार में नजर आई थी। बता दें कि बीते साल सलमान खान ने कंफर्म किया था कि टाइगर वर्सेस पठान पर काम चल रहा है। एक इंटरव्यू में भाईजान से टाइगर वर्सेस पठान की टाइमलाइन के बारे में पूछा गया था, तब एक्टर ने कहा था जब सारी चीजें लॉक हो जाएगी तो वहाँ रहूंगा। रिपोर्ट्स की माने तो सिद्धार्थ आनंद टाइगर वर्सेस पठान को डायरेक्ट करने वाले हैं। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का बजट बहुत हाई होने वाला है। आदित्य चोपड़ा और उनकी टीम ने इस फिल्म का बजट 300 करोड़ माना है। ऐसे ही मूवी न्यूज से अपडेट रहने के लिए मूवी मसाला को अभी सब्सक्राइब करें।